तो ये है मणिकर्ण का लोकल मार्केट। तो आज हम लोग करने वाले हैं लोकल मार्केट एक्सप्लोर। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ परचेज कर सकते हैं, कैसा मार्केट है, क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो वही सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। जैसे जैसे गुरुद्वारे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे मार्केट थोड़ा और कंजस्टेड होता चला जाता है, और जो शॉप्स हैं उन पे नए नए तरीके के सामान मिल रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखिए ये शोपीस की शॉप है जी। ये जो रिक्शा है ये कितने का है बाहर? बाहर जो टांगा हुआ है रिक्शा 250 का। किस चीज़ का बना हुआ है ये? लोहे का बना है। तो ये जो पूरी शॉप है ये शोपीस की शॉप है, बहुत सारे शोपीस हैं इसमें। आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन से रिलेटेड भी सारा सामान है यहाँ, और बेसिकली वुड की शॉप है, लकड़ी के सामानों की शॉप है। क्या क्या मिल जाता है आपके यहाँ? सब कुछ मिल जाता है। क्या क्या लेते हैं टूरिस्ट? लकड़ी का सामान ले जाते, ट्रे ले जाते, कुर्सियाँ ले जाते, कुछ सेट ले जाते, पर इसके काम ले जाते, बोर्ड सेट, घड़ी ले जाओ, पॉट वगैरह ले जाओ, सब घरेलू आइटम है। अच्छा, घरेलू आइटम है सारा का सारा। तो आंटी हमारी बता रही है कि सारा का सारा सामान है, सारा का सारा लकड़ी का। और क्या क्या मिल जाता है आंटी यहाँ पर? ये लकड़ी की ट्रे भी होती है। हाँ, अरे वाह, कितने की मिल जाती है ये? ये पक्की लकड़ी की होती है, वॉशेबल है ये। हाँ, 200 की होती है। अरे वाह, ये ढक्कन वाला बाउल है, ये पॉलिश वगैरह हो रखी है इसे पूरी बढ़िया, मशीन के साथ बफिंग हुई है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो लकड़ी का सारा सामान है, और शोपीस वगैरह है। ये विदाउट स्टील है, और ये है स्टील में। ये देखिएगा, ये स्टील में है, बहुत बढ़िया। तो वुडन से रिलेटेड सारा सामान मिलता है। चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं और कौन कौन सी शॉप है यहाँ। अब चलते हैं आगे मार्केट में, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सब लोग घूम करके आ रहे हैं, अभी हम लोग गए थे वहाँ पूरे कुंड में स्नान किया, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। आज मैं स्पेशली इसलिए आया हूँ ताकि मैं मार्केट एक्सप्लोर कर सकूँ यहाँ का। अरे वाह, नाम भी रखा है भैया इसका? कुछ अभी कुछ नहीं रखा, रखेंगे। बढ़िया बढ़िया। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है यहाँ। पतली पतली गलियां हैं, और ये गिफ्ट की शॉप है, घड़ियां वगैरह मिल रही हैं यहाँ। ये घड़ियां क्या कितने कितने रुपए की हैं? 300, 350, सबके अलग अलग प्राइजेज हैं। और ये यहाँ शॉप है एक और गिफ्ट और कैंपिंग के इक्विपमेंट्स की, यहाँ घड़ियां हैं, आगे कैंपिंग के लिए नाइफ्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, बायनोकुलर मिल जाती हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? हैं, सतीश कुमार जी की शॉप है ये, और सब चीज़ मिल जाती है यहाँ। देखिए कैंपिंग से रिलेटेड बॉटल वगैरह अगर आपको चाहिए, गिफ्ट से रिलेटेड आइटम चाहिए। और एक बड़ी फेमस चीज़ थी यार, हर कोई यूट्यूब पे डाल रहा था वीडियो, गुड लक के लिए होती है, वो ये है। कितने का है भाई जी ये? कहाँ लगाया जाता है ये? अच्छा, बेडरूम में लगाया जाता है ये। क्या होता है इसे? ड्रीम कैचर बोलते हैं। ड्रीम कैचर बोलते हैं। तो ये ड्रीम कैचर है, कितने का बताया? 180 का है ये ड्रीम कैचर। अगर आप यहाँ आएंगे इसको लेकर के जाइए, अपने घरों में लगाइए, अच्छी चीज़ है। ये सिमरन गिफ्ट हाउस है, और यहाँ भी सारे के सारे गिफ्ट हैं। देखिए जैसे कृपाण वगैरह रखी हुई है यहाँ, क्योंकि गुरुद्वारे के पास है, रिंग्स हैं, और बहुत सारी फंकी चीज़ें हैं यहाँ। एयर गन्स हैं यहाँ, बहुत सारी एयर गन्स लगी हुई हैं, और लाइटर्स वगैरह लगे हुए हैं गन की शेप वाले, और बायनोकुलर्स भी हैं, क्योंकि कैंपिंग के लिए यहाँ से बहुत लोग जाते हैं। मणिकर्ण से ही रास्ता जाता है तोश होते हुए, यहाँ से ही बसेस वगैरह मिलती हैं, तो कैंपिंग के लिए मोस्टली लोग जाते हैं, तो यहीं से ही सारे के सारे सामान लेते हैं। और यहाँ देखिए तलवारें हैं, ये लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है इसको ले जाने के लिए? तलवार को या कुछ नहीं,
कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। तलवारें मैं आपको दिखा देता हूँ, खूबसूरत तलवारें हैं। ये वाली देखो क्या जबरदस्त है, ह्यूमन वाली तलवार। तो ये सारी गिफ्ट शॉप है, नाइफ है, नाइफ वगैरह लगे हुए हैं, ग्रिप नाइफ वगैरह लगे हुए हैं। कौन सा नाइफ बोलते हैं इसे? कोलंबिया नाइफ है, ये कोलंबिया नाइफ है, यूएस की ब्रांड का है, खतरनाक है, शार्प भी है। ये सिंगल ब्लेड में होता है क्या? अच्छा सिंगल ब्लेड में है, बाकी फिर नॉर्मल आती है देखो, बटन वाले। अच्छा बटन वाले नाइफ है, नॉर्मल है ये। ये कैंपिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं? जी, कैंपिंग में। बहुत बढ़िया, पेंटिंग्स वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। और ये बिल्कुल एरिया है जो मंदिर के बाहर है, पेंटिंग्स वगैरह हैं। यहाँ भी एक और गिफ्ट शॉप है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। गिफ्ट शॉप यहाँ बहुत ज़्यादा हैं पूरे एरिया में, आप कोई भी चीज़ आते हैं यहाँ से परचेज़ कीजिए, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। और एक यादगार होती है हमेशा आपके साथ कि आप वहाँ गए थे और वहाँ से आपने ये चीज़ परचेज़ की। यहाँ देखिए आम पापड़ वगैरह, खाने पीने के सामान, ये सब मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यही मार्केट था यहाँ मणिकरण का, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। गिफ्ट्स शॉप ज़्यादा हैं और खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं आपको। तो जब भी अगर आप यहाँ आते हैं नेक्स्ट टाइम तो एक्सप्लोर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहें इस मार्केट के बारे में तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय।